बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और ये सहरी से मैं जो है ना अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। तो हम लोगों ने बनाए पराठे, चाय बनाई साथ, और साथ मैंने बनाए अंडे। आज वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और मौसम जो है ना बहुत ख़राब है। और ये जो मैं कढ़ाई लेके आई थी नॉनस्टिक, और आज हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। और मैं इसमें बनाऊंगी बिरयानी, और जो है ना साथ में बनाने लगी हूँ सब्ज़ प्याज वाले पकोड़े। और सब्ज़ वाले प्याज के पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सब्ज़ प्याज डलता है, धनिया डलता है, इसमें सूखी मेथी, कह रही हूँ सॉरी, ताज़ी मेथी डालूँगी, धनिया डालूँगी और पुदीना डालूँगी। पकौड़ों में जो मसाला बनता है वो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे टाइम ही नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी बीच में जो है ना जब टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ। अभी तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना ग्राइंडर में मिक्स करके तो डाल दी हैं, और मसाला मेरा बन गया। और इसमें मैंने जो है ना थोड़े से उबले हुए आलू डालूँगी, क्योंकि उबले हुए आलू से जो पकौड़े होते हैं ना वो क्रिस्पी बनते हैं। साथ साथ मैं बिरयानी बना रही हूँ। आज बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा था। और ये मेरा जो व्लॉग है ये पहले रोज़े का नहीं है, ये दूसरे रोज़े का है। पहले रोज़े का तो मुझे पता ही नहीं चला, इतनी मैं बिज़ी थी कि मुझे तो टाइम का ही नहीं पता चला। और नहीं वीडियो बनाने का होश था ना, ये पहली सहरी की मैं वीडियो बना सकी हूँ। ये सहरी भी दूसरी है और ये जो है ना रमज़ान का भी दूसरा दिन है। और साथ ही मैंने चाट बनाना शुरू कर दी है। चाट में भाई के लिए जो है बग़ैर दही वाला बनाऊंगी और अपने लिए दही वाला बनाऊंगी, लेकिन ये कि फ़िलहाल मैं सारा एक ही जगह पे मिक्स कर लूँगी। और ये वो चाट मसाला है जो मैंने बनाया है, ये बहुत मज़े का बना है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, मैं तो दूसरे जो चाट मसाले हैं उनसे बहुत बोर हो गई थी, तो इसका मुझे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। जो पिछला रमज़ान था वो मेरा बहुत मुश्किल गुजरा था, उसमें तो मैं कोई वीडियो भी नहीं बना सकी और ना आप लोग साथ शेयर कर सकी। उन दिनों अम्मी की डेथ हुई थी और वही दिन चल रहे हैं, लेकिन ये कि मैं इस दफ़ा अम्मी को अपने दिल पे नहीं लेके आ रही हूँ। अगर मैं अम्मी को दिल पे लेके आती हूँ और अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो फिर जो है ना मेरे लिए आगे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए मैं अम्मी के बारे में बहुत कम सोचती हूँ। जब भी मतलब अम्मी का ख्याल आता है तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मैं मोहताज नहीं हुई है और अल्लाह ने जो है ना संभाल ली है, तो अल्लाह की मर्ज़ी में जो है ना राज़ी रहना चाहिए। अगर मैं अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो फिर मेरे लिए जो है ना ये टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं अम्मी के बारे में बहुत कम ही सोचती हूँ। जब मैं मसाला सारा बना चुकी कौरमे वाला, तो फिर मुझे ख्याल आया कि जहीद तो ज़ाहिर चिकन नहीं खाते हैं तो उनके लिए आलू डालने चाहिए थे। तो बाद में फिर मैंने ऐसे किया कि जब मैं चावल उबाल रही थी तो उसमें मैंने आलू डाल दिए। मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मेरा बिल्कुल फ़ेल हो गया है। वो इस वजह से फ़ेल हो गया कि चावल जो थे ना वो मेरे थोड़ी से गिर गए थे, क्योंकि जो आलू होते हैं उसमें थोड़े से लेस होते हैं, तो उससे जो चावल है ना चावलों में लेस आ गई थी। आलू वाले पकौड़े खड़ने पकौड़े खड़ने आलू वाले क्या बनाने हो? आलू दू खड़ना है आलू पा के कराया पा देने है तू की पकाया ने मोटा खुश मीरू ठीक है? अच्छा बड़ी खुश हो सी फिर उसी रात के थे मैं जो रखी मैं है इसको जो बैग खरीदे टीवी ले और तू मैं काम कर रहा हूँ मैं पहले आलू वाले पकोड़े बना रही थी, फिर भाई को कहा कि आप पकोड़े लेके चले जाएं, तो फिर इसलिए मैंने दूसरे पकोड़े भी शुरू कर दिए और साथ मैंने भाभी के लिए बिरयानी डाली है, क्योंकि मेरी भाभी को बिरयानी बहुत पसंद है और बिरयानी मेरी बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन मैं कह रही हूँ चावल थोड़े से मेरे गिर गए थे, मतलब जो है ना मुझे समझ नहीं लगी, हालांकि ये चावल गिरता नहीं है, मैं इसे जिस तरीके से मर्जी पका लूँ लेकिन इसे गिरना नहीं होता है, लेकिन बस कभी कभी जो है तजुर्बे नाकाम हो जाते हैं। और ये हमारी जो है ना अफ्तारी तैयार हो गई है और हम लोग करने लगे हैं अफ्तारी और अजान का वेट कर रहे हैं। और मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।